हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चींटी रहती थी। एक दिन वो खाने की खोज में डाली पर घूम रही थी। अचानक वो चींटी पैर फिसलकर डाली से नीचे पानी में गिर गई और बहने लगी। बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ! एक कबूतर ने चींटी को बहते और चिल्लाते हुए देखा। उसने चींटी की मदद करने का फैसला किया। चींटी की सहायता के लिए उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी किनारे पर आ गई। चींटी ने देखा कि कबूतर ने उसकी सहायता की है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़कर चींटी कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे आभारी हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। आज मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त जो दिया। और खुशी खुशी दोनों अपने रास्ते चले गए। इन दोनों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेकर अपने घर जा रही थी, अचानक उसके सामने दो पैर आ गए। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। वहां एक शिकारी खड़ा था और उसके हाथों में धनुष और तीर था। चींटी ने देखा कि वो शिकारी किसी पर ध्यान से निशाना बांध रहा था। उसने तीर की दिशा में देखा तो वहां उसका दोस्त कबूतर था। उसने तुरंत कुछ विचार किया और कबूतर को बचाने का फैसला किया। उसी क्षण उसने शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी की एकाग्रता भंग होने के कारण उसका तीर गलत दिशा में चला गया। कबूतर सावधान होकर उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर चींटी से मिला। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो दोस्त होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उस दिन से दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। संकट में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है।